जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस यही एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। देश भर के विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा कोरोना की तीसरी संभावित लहर के विषय में लगातार सूचनाएं भी दी जा रही है। इस दौरान मुख्य रूप से बच्चों को बहुत अधिक सुरक्षित रखने की सलाह दी जा रही है, साथ ही बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन उससे अलग जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र को बीते 2 महीनों से बंद कर दिया गया है और उसे महिला वार्ड में तब्दील कर दिया गया। इस विषय पर जब हमने जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र बंद होने के विषय में शिशु रोग विशेषज्ञ से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, इसको देखते हुए पोषण पुनर्वास केंद्र को बंद कर दिया गया था। अस्पताल के भीतर प्रतिवर्ष 150 से अधिक कुपोषित बच्चे केंद्र में भर्ती होते हैं और ठीक होकर वापस जाते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से जिले के अन्य पोषण पुनर्वास केंद्रों में भी बच्चों की संख्या नहीं के बराबर रही। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले 2 महीनों के दौरान लगभग 200 कुपोषित बच्चे अस्पताल तक नहीं पहुंचे और उनके परिजनों को उचित समय पर पोषण आहार की जानकारी नहीं मिल सकी। पुनर्वास जो केंद्र है यहाँ पर जिला चिकित्सालय बालाघाट का, उसका सेशन मार्च से मार्च तक का होता है। उस सेशन में पिछले सेशन में हमारे पास 155 बच्चे भर्ती हुए और डिस्चार्ज हुए 155 बच्चे। लेकिन जो नया सत्र चालू हुआ उसमें कोविड की लहर थी और काफ़ी कोरोना के पेशेंट थे, तो उस सत्र में उसको 3-4 बच्चे शुरुआत में मुक्ति करे थे, फिर उसको NRC को कोरोना की लहर के कारण उसको बंद करना पड़ा। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास NRC में इस वक्त कोई बच्चे नहीं है और इतने सारे कोविड के पेशेंट्स होने के कारण उसमें भी उसको मदर वार्ड शिफ्ट कर दिया था, मदर वार्ड बना दिया गया था जो उसके बाजू में एक ICU है, इसलिए उसको मदर वार्ड में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि उस वक्त पेशेंट्स ज़्यादा थे। चिकित्सक स्वयं बता रहे हैं कि पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने के अलावा वजन और बच्चे की स्थिति को देखते हुए पोषण आहार के लिए चार्ट दिया जाता है, जिसके अनुसार बच्चों को आगामी दिनों में खाद्यान्न और दवाइयां दी जा सके। कुछ समय तक उनको जो भी कुपोषित बच्चे आते हैं, हमारे पास 6 NRC और भी हैं, है ना, अगर वो उस ब्लॉक और लेवल के NRC में आते हैं तो उनको वहाँ पर भी भर्ती की सुविधा दी है। और अगर कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो कुपोषण वाले, तो अभी उनको मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन और एक प्रॉपर डाइट प्लान वगैरह बना के देते हैं और यहाँ से उनको न्यूट्रिशन, विटामिन डी, विटामिन ए सारी दवाइयाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ तो हुई पोषण पुनर्वास केंद्र बंद होने की बात। इस शिशु रोग विशेषज्ञ स्वयं कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर खान पान रखने की जानकारी दे रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जो बच्चे कुपोषित होंगे उनमें वायरल लोड अधिक होगा और उन्हें परेशानी भी अधिक होगी। देखो, अगर कोई बच्चा कुपोषित है और यहाँ कुपोषण के लिए भर्ती होने आ रहा है, अगर वो स्टेबल है, वाइटल्स वगैरह स्टेबल है, तो उसको दवाइयाँ देकर और न्यूट्रिशन वाली विटामिन वगैरह देकर उसको डिस्चार्ज किया जाता है। बट अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सिक भी है और कुपोषण में भी है, तो उसको बच्चा वार्ड में एडमिट कर लिया जाता है। बच्चे वार्ड में एडमिट करने के बाद उसको थोड़ा जो वेट उसका मतलब प्रॉपर डाइट वगैरह पे आ जाए, उसके बाद उसको बच्चा वार्ड से डिस्चार्ज किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही जिले के भीतर 7 पोषण पुनर्वास केंद्र में प्रतिवर्ष 7 सैकड़ा से अधिक कुपोषित बच्चे भर्ती होते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो निजी अस्पतालों में इलाज करवाते या ऐसे बहुत से परिजन हैं जिन्हें बच्चों के कुपोषित होने की जानकारी तक नहीं होती, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जिले में तीसरी लहर में कुपोषण का आंकड़ा बच्चों के लिए कितना असरदार साबित होगा। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कुपोषित बच्चों को लेकर विशेष तैयारी करते भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना की वजह से जिले भर की 2,500 से अधिक आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी भी बंद है, जिससे वहाँ भी पोषण आहार का वितरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कुपोषण के आंकड़ों में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि महिला एवं बाल विकास विभाग हर साल पोषण आहार वितरण कर स्वयं की पीठ थपथपाता है, पोषण आहार वितरण करके उसमें कुपोषण काफ़ी हद तक दूर किया। ऐसे में आंगनवाड़ी बंद, पोषण आहार वितरण बंद, पोषण पुनर्वास केंद्र बंद, कोरोना की वजह से बच्चों के परिजनों के द्वारा अस्पताल तक जाना बंद, जो भविष्य में तीसरी लहर को लेकर और अधिक सतर्क रहने के संकेत दे रहा है।